आज हम देखेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022 मॉडल। आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर देखेंगे, आपको इसका इंजन बे दिखाया जाएगा, आपको इस गाड़ी की प्राइस बताई जाएगी। सैगल मोटर एसेसरी स्टोर के ऊपर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए एसेसरीज की डिफरेंट रेंज मिलेगी, जिसमें आपको इस गाड़ी के लिए प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ साथ टेस्ला पैनल्स की रेंज मिलेगी। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के लिए एयर प्रेस मिल जाएंगे। अगर आप इस गाड़ी की फ्लोर मैटिंग कराना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। फ्लोर मैट्स में आपको 9D, 7D, 5D, उसके अलावा रबर मैट्स, कारपेट मैट्स, इस तरह की कंप्लीट वैरायटी मिल जाएगी। ट्रंक मैट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के लिए कस्टम मेड सीट कवर्स मिल जाएंगे, जो कि कम्प्लीटली कस्टम मेड होते हैं, हैंडमेड होते हैं, और इनकी 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। इस गाड़ी के लिए आपको टॉप कवर मिल जाएगा, जो कि 100% कस्टम मेड होता है। स्क्रैच प्रूफ होगी आपकी गाड़ी इससे और कम्प्लीटली वाटर प्रूफ हो जाएगी। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के लिए कंप्लीट क्रोम एसेसरीज मिल जाएंगी। फेस अप लिफ्ट में आपको डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगी। बॉडी किट में आपको इस गाड़ी के लिए डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगी, और रियर लाइट्स में भी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए डिफरेंट वैरायटीज यहां पर मिल सकती हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की एसेसरीज के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या www.segalmotorsports.pk पर विजिट करें। अगर आप एक टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदना चाह रहे हैं जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में हो और 2022 का मॉडल हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। रिव्यू के लिए सैगल मोटर्स ने ये गाड़ी प्रोवाइड किया। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप www.segalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। इस गाड़ी से मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यहाँ पर ये जितनी भी गाड़ियाँ मौजूद हैं इनके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलें जल्दी से हम इस गाड़ी के जरा लाइट्स वगैरह फ्रंट साइड से ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और फिर इसकी लाइट्स को डिटेल से देखते हैं, और साथ ही इसका रियर एक्सटीरियर देखते हैं, और फिर उसके बाद इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। अगर यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले आपको पैनिक बटन मिलेगा, उसके ऊपर ट्रंक रिलीज है, उसके ऊपर अनलॉक बटन है, और सबसे ऊपर लॉक का बटन है। तो चलें गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, इसके हेडलैम्प्स ऑन करते हैं और फिर हम एक्सटीरियर को देखते हैं। अच्छा, तो गाइज ये फॉर्च्यूनर का जो वेरिएंट है ये पुश स्टार्ट वाला है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपने इसको कोई की को इंसर्ट कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल ब्रेक को प्रेस करना है और इंजन स्टार्ट बटन जो है उसको दबा देना है। गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है, हम इस गाड़ी के हेडलैम्प्स वगैरह ऑन कर लेते हैं, फिर हम इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिटेल से देखते हैं, और साथ ही हम इसके हेडलाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये आप जो नोटिस इसमें करेंगे, इस गाड़ी के अंदर अभी आपको टेट्रा लैंप्स मिलते हैं। पहले इसमें आपको एक ही सिंगल बीम मिलती थी, जबकि अभी इसकी जो लाइट्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है। एक तो लाइट्स की शेप भी चेंज हो चुकी है, और दूसरा इसकी जो बीम्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया है। और अच्छी बात यह कि आपको प्रॉपर इसमें प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं, तो आप इसके जो बीम का थ्रो है वो बहुत दूर तक आपको एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये जो DRLs हैं इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी शेप और इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर दी गई है। उसके अलावा ग्रिल की तरफ अगर हम आएँ, इस गाड़ी के अंदर आपको एक हनीकॉम मैश स्टाइल में ग्रिल मिलती है। 2 पीसेस के अंदर इसकी ग्रिल को डिवाइड किया गया है, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन सेपरेटली इसमें ग्रिल का आपको मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसके जो फोग लैंप्स हैं ये भी आपको LED के अंदर मिलते हैं, और प्रोजेक्टर लाइट्स का ऑप्शन इसके फोग लैंप्स के लिए भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा इसमें आपको एक सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर टर्न इंडिकेटर मिलता है, जो कि प्रॉपरली LED के अंदर आता है। और साथ ही अगर आप ये नीचे वाला पोर्शन देखें तो आपको इसमें सिल्वर कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ मिलेगा। फ्रंट फेस की लुक इसकी कुछ इस तरह से है। अच्छा, रियर साइड की अगर हम बात करें, फ्रंट के साथ साथ लेजेंडर की रियर साइड पर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं, जिनमें यहाँ से अगर बम्पर से हम स्टार्ट करें तो एक तो इसके बम्पर की शेप जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। इसमें आपको यह ब्लैक एक्सेंट मिलेगा, इसके साथ साथ ये जो नीचे आपको ग्लॉसी ब्लैक नज़र आ रहा होगा इसका यूज़ भी अभी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम लाइट्स की बात करें तो अब इसकी लाइट्स के अंदर आपको एक सिक्वेंशियल इफेक्ट मिलता है, जैसे कि फ्रंट इंडिकेटर्स के अंदर मिल जाता था, उसी तरह से आपको इसके रियर इंडिकेटर्स के अंदर भी सिक्वेंशियल इफेक्ट का यूज़ नज़र आएगा। इसके साथ साथ
अगर यहाँ पर हम देखें तो आपको इसमें स्पॉयलर के ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। बेसिकली ये ब्लैक एक्सेंट अगर आप देखें तो इसके एंटीना में यूज़ हुआ हुआ है। ये आमतौर पर क्रोम की ट्रिमिंग आती थी फॉर्च्यूनर में, बट ये भी कम्प्लीटली ग्लॉसी ब्लैक में आ गई है। इसके बम्पर के ऊपर ये ब्लैक यूज़ हुआ हुआ है तो अच्छी एक लुक आपको रियर साइड से प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें लेजेंडर की बैजिंग मिल जाएगी और 2.8 का बैज मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 4x4 सिग्मा 4 की बैजिंग मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। और साथ ही साथ आपको इसमें रियर बम्पर पर रियर फॉग लैंप्स के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स का यूज़ भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम इसके रिम्स की तरफ आएँ तो ये 18 इंचेस के सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन में रिम्स हैं जिसके ऊपर आपको 265/65 का टायर मिलता है। और पिछली जो इसमें आती थी फॉर्च्यूनर उसमें आपको कंप्लीट सिल्वर कॉम्बिनेशन में रिम मिलता था, जबकि ये ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है और डायमंड कट लुक है इसकी, बहुत ही खूबसूरत लुक आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको जो फुट स्टेप्स हैं ये भी कम्प्लीट ब्लैक के अंदर मिल जाते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी के अंदर पुराना जो वेरियंट था उसमें ये ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आ जाते थे। चलें अब अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का मैं इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। अच्छा गाइस, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022 मॉडल का डैशबोर्ड। इसकी लुक कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें, इस गाड़ी के अंदर आपको एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसके अंदर आपको कम्प्लीटली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इसके साथ साथ वॉइस कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर ये MI डिस्प्ले के सारे बटन्स आपको दिए जाते हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो है ही, लेकिन अगर आप इसको मैन्युअली ड्राइव करना चाहें तो आप इन पेडल शिफ्टर्स की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफी ग्रिपी है और ये जो लेदर इसमें यूज किया हुआ है बहुत ही एक आपको प्रीमियम फील देता है। और इसके साथ साथ ये जो ग्लॉसी मेटालिक फिनिश है, ये ग्लॉसी फिनिश जो इसमें ऊपर आपको मिलती है, ये भी गाड़ी को एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम लुक इंटीरियर को प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी एडजस्टमेंट की बात करते चलें, इसको आप टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। इसका जो स्टीयरिंग व्हील होता है ये बेसिकली हाइड्रोलिक पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है और इसका जो कॉलम होता है वो रैक एंड पिनियन होता है। उसके अलावा अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं, ये गाड़ी जो इस वक्त आपके सामने है ये ब्रांड न्यू है, 0 मीटर बिल्कुल न्यू गाड़ी है, अनयूज्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं, 6000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं। रेड लाइनिंग इसकी 4000 के बाद से स्टार्ट होती है, तकरीबन 4500 के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ 200 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। MI डिस्प्ले के अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक, एयर पोजीशन इंडिकेटर है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ साथ आउटसाइड टेम्परेचर, तमाम जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी MI डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें वाइपर कंट्रोल स्विच मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको इसमें हेडलाइट कंट्रोल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाएं तो आपको यहाँ पर एक एयर वेंट मिल जाएगा जिसकी शेप बड़ी ही एक खूबसूरत सी है और ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। उसके अलावा नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको एक अदद कप होल्डर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके नीचे मजीद अगर आ जाएं तो पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ का बटन है, इसका टेलगेट इलेक्ट्रिकल है उसके लिए ऑन ऑफ का आपको बटन दिया जाता है। और अगर हम इसके ड्राइवर डोर पर ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनमें आपको इसकी विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तमाम विंडोज ऑटो हैं इसकी। उसके आगे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको इसमें दिया जाता है जो कि यहाँ पर जिसके लिए आपको बटन्स मिल जाएंगे और विंडोज के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आगे आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स इसमें दिए जाते हैं। इसके जो साइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल भी हैं, तो आप एक बटन को प्रेस करते हुए इनको फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर में देखें तो यहां पर आपको एक अदद ट्विटर मिल जाएगा और इसके साथ साथ डोर के ऊपर यहाँ नीचे एक अदद सर्कुलर शेप में स्पीकर ग्रिल भी आपको दी जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंस लाइटिंग का यूज मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पर देखें ये एक स्ट्रैप चलती हुई आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइट नजर आएगी, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें लाइट नजर आएगी और इसी तरह से इस दरवाजे के ऊपर भी आपको लाइट नजर आएगी। जो इसके रियर डोर्स हैं उनके ऊपर भी आपको एम्बियंस लाइट का यूज मिलेगा जो कि एक अच्छी लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती है, खासतौर पर जब आप रात को गाड़ी को ड्राइव करते हैं। उसके अलावा जी अगर हम इस तरफ आ जाएं, इस गाड़ी के अंदर ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एक प्रॉपर एंड्रॉयड वाला है। इसके अंदर आप एंड्रॉयड की जितनी भी एप्स हैं उनको चला सकते हैं और इसका जो टच है ये बड़ा रिस्पॉन्सिव किस्म का है, काफी स्मूथ है। उसके ऊपर आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे जिनके दरमियान में एक डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन आपको दिया जाता है और उसके बीच में आपको
हैजलाइट स्विच भी मिल जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आए, इस वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इससे पहले जो फॉर्च्यूनर आता था उसमें आपको सिंगल जोन क्लाइमेट मिलता था और उसमें पार्किंग सेंसर्स भी नहीं होते थे। यहाँ से ड्राइवर का टेम्परेचर एडजस्ट होगा, यहाँ से पैसेंजर का एडजस्ट होगा। उसके अलावा ये नीचे सारे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये इसका फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पर डाउन हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको इसमें एक पावर आउटलेट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो आपको इसमें दो अदद कप होल्डर्स मिलेंगे। गियर लीवर कुछ इस तरह से आपको इसमें नजर आएगा। पैडल शिफ्टर्स के साथ साथ आप इसकी नॉब से भी गियर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एस का मतलब बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन है, आप यहाँ से गियर लीवर की मदद से भी इसकी ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग कर सकते हैं। और गाड़ी के अंदर तीन ड्राइविंग मोड्स आते हैं, जिसमें एक इसमें आपको इको मिलेगा, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड का बटन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मजीद पीछे आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन दिया जाता है। डिफरेंशियल लॉक बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए होता है, तो उसमें आपके दोनों पिछले टायर जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिसमें ऑफ रोडिंग के ऊपर आपको चलने में काफी आसानी होती है। तो ये फीचर 4x4 गाड़ियों के अंदर, आजकल तकरीबन सारी ही गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट वाली है उनके अंदर दिया जाता है। उसके अलावा ये जो पूरा पैनल है ये बड़ा प्रीमियम है, ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर मिलती है जो कि दिखने में काफी अच्छी लगती है। अगर हम इसकी आर्म रेस्ट देखें तो ये भी एक काफी बड़ी आर्म रेस्ट है, लेदर में पैडेड है कंप्लीटली, और इसके नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा। मैन्युअली कंट्रोल्ड हैंड ब्रेक है, इसके ऊपर भी आपको कंप्लीटली लेदर की रैपिंग मिल जाती है। सीट्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो टू टोन सीट्स हैं, इसमें मैरून और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको इसकी सीट्स के अंदर मिलता है। साथ ही साथ इसके डोर के ऊपर भी आपको सेम कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और ग्लव बॉक्सेस इस गाड़ी के अंदर दो हैं, एक तो बेसिक ग्लव बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको लाइट मिल जाएगी नीचे वाला जो है, और ऊपर वाला जो है ये बेसिकली एक कूल कंपार्टमेंट होता है। इसके अंदर आपको एक एसी का वेंट मिलेगा, तो अगर आप कोई भी पानी की बॉटल रखेंगे तो वो गर्म नहीं होगी। आमतौर पर गाड़ी के अंदर इंटीरियर में पानी जब आप रखते हैं तो वो काफी गर्म हो जाता है, बट इसमें वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर से। अगर रूफ पर आ जाए तो ये जो मिरर है इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको लाइट्स के साथ साथ वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन दिया जाता है दोनों साइड्स पर। प्लस यहाँ पर आपको इसमें सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, यहाँ ऊपर आपको इसमें लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एलईडी के अंदर आती हैं। अच्छा, रियर इंटीरियर में लेग स्पेस डिसेंट किस्म की है, ये नीचे इसके ओरिजिनल मैट्स वगैरह पड़े हैं। जो पिछली सीट्स हैं इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट मिलेगा, साथ ही आर्म रेस्ट मौजूद है, इसके अंदर कप होल्डर्स की फैसिलिटी दी गई है, तीन पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट मौजूद है। और आए जल्दी से हम इसका ये जो डोर है बूट वाला उसको भी ओपन करते हैं और इसकी हम बूट स्पेस भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ इसकी रियर सीट्स जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है ये प्रॉपर 7-सीटर होता है, तो इसकी जो थर्ड रो वाली सीट्स हैं ये इस तरीके से फोल्ड होकर ऊपर आप इनको बेल्ट के साथ बांध सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें बूट स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अगर आप अनफोल्ड करना चाहें तो ये इस तरीके से अनफोल्ड हो जाती हैं, लेकिन जो इसकी थर्ड रो वाली सीट्स हैं ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ थर्ड रो में आपको उतना अच्छा लेग रूम भी इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। बट ये जो इसका डोर है ये जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये आता है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड, और इसको हम बंद कर देते हैं। आए जी, अब जल्दी से इस गाड़ी के इंजन की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके बाद आपको इस गाड़ी की प्राइस बताई जाएगी। बल्कि प्राइस चले मैं आपको बता ही देता हूँ, 2022 का मॉडल है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, इसकी डिमांड की जा रही है 1,75,00,000 रुपए। ये ब्रांड न्यू गाड़ी है, अनयूज्ड और अनरजिस्टर्ड। सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर ये अवेलेबल है, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.sagalmotorsports.pk। और आएँ जल्दी से इसका इंजन भी ओपन करते हैं और आपको इसका जो है इंजन कंपार्टमेंट भी मैं दिखा देता हूँ। ये है गाइज इसका एक 2800 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन, और ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये V6 इंजन है, बट इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है। ओरिजिनली बेसिकली ये जो है एक इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन होता है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022 मॉडल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ वीडियो को क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।